हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है? तो आपको पता ही होगा, न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे, न्यूज़ हो गया, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि जितने भी बिहार में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पार्क हैं, चिड़ियाघर, जू वगैरह हैं, तो ये सब को बंद कर दिया गया है, ठीक है? इन सबको बंद कर दिया गया है। तो इसमें कोचिंग कोचिंग जितने भी कोचिंग हैं उसे भी बंद करना पड़ा है, जितने भी कोचिंग हैं हमारे, ठीक है? तो जो भी कोचिंग होगा हमारा 31 तारीख तक ये बंद होगा, ठीक है? और जो जितना भी आप टॉपिक अब तक जितने भी टॉपिक पढ़ चुके हैं, जितने भी टॉपिक पढ़ लिए अभी तक, उनको क्योंकि जो छुट्टी है बहुत लॉन्ग है, ठीक है ना? तो छुट्टी बहुत लॉन्ग है तो उस टाइम को वेस्ट ना करें। और जितना भी टॉपिक हम 12th में अभी पढ़ाए हैं, ठीक है, 6 से 7 बजे वाले बैच में और 7 से 8 बजे वाले बैच में, ठीक है, अभी 2 बैच हमारा खुला था तो जिसमें एडमिशन फुल हो गया था, तो जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाया है, ठीक है, उसको रिवाइज करते रहें। छुट्टी का थोड़ा सा फ़ायदा उठाइए, है ना? 16 दिन का छुट्टी है, फायदा पूरा उठाइए, ठीक है ना? इसको वेस्ट ना करें। टॉपिक बहुत कम है, ठीक है, उसको रिवीजन कर लें। और बाकी तो देख ही रहे हैं, कोरोना वायरस जो है कितना हम लोग के लिए हार्मफुल है, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस जो है आपका, इसका जो सिम्टम्स वगैरह बात कर लें, तो सिम्टम्स के लिए क्या है कि रनी, अगर मान लेते हैं कोई पर्सन है, अगर उसका रनी नोज है, सोर थ्रोट है, मतलब नाक बह रहा है, और आपका जो गला है वो सूख रहा है, खांसी हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो हो सकता है कि वो पर्सन माइट बी सफरिंग फ्रॉम कोरोना डिजीज, कोरोना वायरस, मतलब वो सफर कर रहा है, ठीक है ना? ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सफर कर रहा है। ये बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है ना? में जो वायरस पाया गया COVID-19 जो है, ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो टोटल जो केसेस देखा गया है करीब 87,000 केसेस है, ठीक है, जो कि एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा बताया गया है कि टोटल 87,000 ये केसेस पाया गया है, ठीक है ना? जो कि इटली में 25,000 है केसेस ये पाया गया, और वहाँ पे इन्फेक्शन जो हुआ है 25,000 है और 1,800 आपका डेथ हो चुका है। तो ये एक सीरियस मैटर है जी, इट्स नॉट काइंड ऑफ अ जोक, राइट? तो ये एक सीरियस मैटर है। अरे बच्चे तो पूरा खुश हैं कि नहीं, छुट्टी हो गया है, ठीक है, मजा आ रहा है एकदम, नहीं, लेकिन ये एक सीरियस मैटर है जी। अगर बात करें अदर कंट्रीज में, तो आपका जैसे फ्रांस हो गया, फ्रांस में आपका 4,500 जो है आपका इन्फेक्शन पाया गया है, ठीक है, सफर कर रहे हैं इतने लोग, एंड जिसमें से 91 डेथ हो चुका है, 91 डेथ हो चुका है इन जस्ट शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम में, इतना डेथ। अगर बात करें जर्मनी का, तो जर्मनी में 5,700 जो है आपका इन्फेक्शन हो गया है, सफर कर रहे हैं लोग, और 11 डेथ हो चुका है हमारा। अभी जो ये डिजीज जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी तो यूएस में बात करें तो सबसे तेजी से स्प्रेड हो रहा है आपका यूएस में ये डिजीज, ये जो कोरोना है बहुत तेजी से
फैल रहा है कहाँ पे, यूएस में, जो कि जिसमें 4500 या अप्रॉक्स 4,000-3,500 के पास इन्फेक्शन हुआ है एंड 57 डेथ हो चुका है, 57 डेथ, ठीक है ना। तो और चाइना बता दे, ये चाइना से एक युहान सिटी है, वहाँ से ये क्रिएट हुआ ये प्रॉब्लम, अब पता नहीं क्या है कैसे हुआ है, ठीक है। लोग तो बोल रहे हैं कि जानवर के खाने से, मतलब कि जानवर को लोग ऐसी खा जा रहे हैं विदाउट मतलब कुकिंग वगैरह, तो ऐसी खा जा रहे हैं, तो ये चमगादड़ से के खाने से ऐसा कुछ बताया है लोगों ने, जिसमें बता दें चाइना के अंदर ही 3,208 पीपल जो हैं डेथ कर चुके हैं, और आउटसाइड बता दें, आउटसाइड द चाइना इट इज 3,200। तो अब सोच सकते हैं ये कितना सीरियस है, ठीक है ना, और ये बहुत तेज़ी से भी फैल रहा है। तो गवर्नमेंट जो भी स्टेप उठाया है, ठीक है, अवेयरनेस दे रहा है विद इन द कंट्री, तो ये एक अच्छी बात है ना, ये एक अच्छी बात है। तो छुट्टी मिला है तो क्या किया जाए, देना पड़ा, क्योंकि देख ही रहे हैं कितना ये तेज़ी से। इंडिया में बात करें तो इंडिया में अभी मुंबई जो है, महाराष्ट्र एकदम नंबर वन पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। तो ये एक सीरियस मैटर है, जोक नहीं, इट्स नॉट काइंड ऑफ अ जोक, राइट। तो छुट्टी का यूटिलाइज कीजिए, बाकी जो हमारा जो बैच है 6 से 7, अभी 12 का ओपन हुआ है, 7 से 8 जो है ओपन हुआ है, तो वो तो चलते रहेगा, और जैसी कोचिंग खुलता है तो 8 से 9 वाला जो बैच है इंग्लिश मीडियम होगा, वो कोचिंग के खुलने के एक दिन बाद 12 का बैच स्टार्ट हो जाएगा, और 9 से 10 एक दिन बाद 9 से 10 हिंदी मीडियम का ही बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो रहा 10 से 11 एक लास्ट बैच होगा, वो 3-4 दिन बाद वो भी बैच स्टार्ट होगा। तो सारा बैच आपका करीब 6 अप्रैल तक सारा बैच स्टार्ट हो जाएगा 12 का, ठीक है। तो यही बताने के लिए, लाइव तो नहीं आए थे, वीडियो को रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। बाकी मन लगा के पढ़िए, बाकी तो देख ही रहे हैं कंट्री में, हमारे देश में क्या चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ठीक है, बाकी मैटर तो सीरियस है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को हम एंड कर रहे हैं, ठीक है, और कहेंगे कि जितना खुद को बचाएं, ठीक है, खुद को बचाएं, कोशिश करें कि घर में रहें, ठीक है, वहां ना जाए जहां पे क्राउड प्लेस हो, जैसे अबव 100 अगर कोई पर्सन वहां पे गैदरिंग हो रहा है तो वहां पे ना जाए, ठीक है, वहां पे ना जाए, घर में रहें, तो यहां पे आपका सेफ्टी बढ़िया है, ठीक है ना। तो यही सब बात बताना था मुझे, ठीक है। बाकी कोचिंग जो खुलेगा हमारा 3 अप्रैल को खुलेगा, 3 अप्रैल को खुलेगा, तो और नया बैच मैंने बता दिया आपको कि कब कब से स्टार्ट हो रहा है, 9 से 10 स्टार्ट होगा, 8 से 9 स्टार्ट होगा, 10 से 11 स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, ठीक है, और हो सकता है बीच में, क्योंकि 14 डेज है तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म है, तो लाइव भी आ सकते हैं, हम बीच में लाइव भी आ सकते हैं, आपका टॉपिक का रिवीजन करवा देंगे, और लाइव का टाइमिंग होगा 4 से 5, कभी भी लाइव आ जाएंगे, 3 दिन पे लाइव आएंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ दिन में, 1-2 दिन में हम लाइव आ जाएं, ठीक है। तो पढ़िए और अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए और स्टे सेफ्टी, ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ तो है कि सेफ रहें, ठीक है। इसी के साथ गुड बाय बच्चों, और मेहनत करिए, आगे बढ़िए, बाय बाय।